रामपुर शहर में विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। कांग्रेस ने प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अर्शद गुड्डू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी की ओर से उनके नाम की घोषणा कर दी गई है। गुड्डू का टिकट घोषित होने के बाद उनके समर्थकों ने उनका जगह जगह स्वागत किया। आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव जीतने के बाद आजम खान ने शहर विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा दे दिया था। उनके इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव होना है। आजम खान इस सीट से 9 बार विधानसभा का चुनाव जीते हैं। उपचुनाव की तैयारी में सभी प्रमुख राजनीतिक दल लगे हुए हैं। सबसे पहले बसपा ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया था। बसपा ने जेडएम खान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके बाद अब कांग्रेस ने अर्शद गुड्डू को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। गुड्डू लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। वह सन 1985 में NSUI के अध्यक्ष थे। यूथ कांग्रेस में भी उन्होंने कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। इसके बाद वह लगभग 8 सालों तक नगर अध्यक्ष रहे। वर्तमान में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं। गुड्डू पहली बार किसी चुनाव में उतरे हैं। गुड्डू का टिकट घोषित होने के बाद उनके समर्थकों ने उनका कहीं जगह स्वागत किया। आज कांग्रेस प्रत्याशी अर्शद गुड्डू ने प्रेस वार्ता कर कहा कि मेरी यह लड़ाई जुल्म के खिलाफ है। इस चुनाव में अहम मुद्दा है बेरोजगारी और युवा बेरोजगार हैं। पहली प्राथमिकता है बेरोजगारी दूर करना। साथ ही अर्शद गुड्डू ने कहा कि हम जालिम के साथी नहीं मुजलुमों के साथ हैं, उन्हीं की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी पार्टी गंगा यमुना की तहजीब वाली पार्टी है। अब जनता का नारा है आ अब लौट चले कांग्रेस की ओर। रामपुर के लोगों के साथ जुल्म किए गए उसको लेकर क्या सोच है आपकी? देखिए, जालिम के हम साथी नहीं हैं। हमेशा से कांग्रेस जो है वो जुल्म के खिलाफ रही है और जुल्म के खिलाफ है, चाहे वो किसी पे भी हो। मजलूमों के साथी हैं हम लोग, चाहे वो कोई भी करे। और क्या बोलना चाहेंगे? रामपुर में जो है जिस तरीके से जुल्म हुए हैं, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा है, हमने बताया कि ये हमारा जो है पार्टी का हमेशा से पार्टी हमारी जो है मजलूमों के साथ थी, साथ है, साथ रहेगी और जालिम के कभी ना साथ थी ना है ना रहेगी। और दूसरी चीज़ यह है कि हम गंगा जमनी जो तहजीब है हिंदुस्तान की, उसको मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी मानने वाली है। हम गंगा जमनी तहजीब को कायम रखने में भी हमारी पार्टी और हम लोग अपना अहम योगदान देंगे। अभी तक चुनाव में देखा गया है कि आपकी ही पार्टी ने डमी कैंडिडेट खड़े करे। कभी कोई पार्टी डमी कैंडिडेट नहीं खड़ी करती। तो इस बार क्या लगता है आपको कि जोर शोर के साथ कांग्रेस जो है अपना जलवा बिखेर पाएगी रामपुर की? ऐसा है, चुनाव सीट पे ऐसा है। अब हर पार्टी को जनता ने खूब परख लिया है। अब जनता का नारा है आ लौट चले कांग्रेस की ओर। रामपुर में लगातार कांग्रेस में जो है ढफड़क चल रही, आपस में कांग्रेस फटी हुई दिखाई देती है, क्या कांग्रेस में कोई अटक पटक नहीं है? आपको महसूस हो रहा है ऐसी कोई बात नहीं? अब तो कुछ दल बन गए कांग्रेस के अंदर? कोई दल नहीं है। सब साथ हैं? सब साथ। क्या कहना चाहेंगे कोई मैसेज जनता के लिए? जनता के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारा यही मैसेज है कि मतलब जनता खुशहाल रहे और एकता, हिंदू मुस्लिम सभी समुदाय के लोग एक साथ रहें और कोई भी सांप्रदायिक ताकत जो है वो आपस में एक दूसरे को जुदा ना कर सके। युवाओं को रोजगार मिले, खुशहाली रहे। आपको कांग्रेस ने टिकट दिया है, इतनी खुशी जाहिर हो रही है आपको क्योंकि आप जो है उस सीट से लड़ेंगे जिस पर सबकी निगाहें हैं? देखिए, ऐसा है, पार्टी जो भी जिम्मेदारी अपने कार्यकर्ता को देती है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.
ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।